हेलो, मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1.14 एंड इन द क्वेश्चन द फिगर इज गिवन। द फिगर 1.33 शोस ट्रैक ऑफ थ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है क्वेश्चन में वो आपको यूनिफॉर्म दिया गया है। ओके, गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेज। आपको थ्री जो चार्ज दिए हैं, चार्ज 1, 2, 3 के साइन के बारे में बताना है और ये बताना है कि विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो बताना है किसका हाइएस्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी केस है कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ठीक, देखिए प्लेट आपको दिया हुआ है एल। लेट सपोज मान लेते हैं कि उस प्लेट का जो लेंथ है वो एल है। ओके, अब देखिए अगर चार्ज पार्टिकल एक जो है प्लेट पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो सिंपल सी केस है जो चार्ज वन होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली चार्ज टू भी जो है वो भी पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और तीसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अगर तीसरा चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट केस, फर्स्ट सिक्स वी कंप्लीटेड। We have to give the sign of three charges. First and second, both charges are negative, and third charge is positive. Now, moving toward the second part of the question, which particle has the highest charge to mass ratio? ठीक है, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि चार्ज ये प्लेट जो है, लेट्स प्लेट का लेंथ एल है और आपको दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों चार्ज का जो स्पीड दैट इज वेलोसिटी मान लेते हैं इक्वल है, दैट इज वी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं टाइम टू क्रॉस द प्लेट, ठीक है, कितने टाइम में चार्ज उस प्लेट को क्रॉस कर लेता है, दैट इज लेट सपोज टाइम टी मान लेते हैं। तो टाइम लेंथ एल माना हुआ, स्पीड भी माना हुआ, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज एल अपॉन वी। ठीक, अच्छा देखते हैं किस किस में डिफ्लेक्शन कितना हुआ, क्योंकि पता है मोर द डिफ्लेक्शन मोर द चार्ज टू मास रेशियो। तो डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं इस केस में, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन क्या है। ओके, देखिए डिफ्लेक्शन दैट इज चेंज इन वाई, यहां से हम ले लेते इक्वेशन हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें यहां से सबसे पहले टी तो हम कैलकुलेट कर चुके, एल एफ वन भी है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्स ड्यू फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। और नॉर्मल केस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास के कंपेयर में, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, तो ये m into a हो जाएगा, m into a is equal to q into e। यहां से एक्सेलरेशन कितना लिख लेंगे हम लोग, qe by m। ठीक है, अब यहां से एक्सेलरेशन के और टाइम के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसमें इक्वेशन में टाइम और एक्सेलरेशन के वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू हाफ इन प्लेस ऑफ ए, हमें q by m रेशियो चाहिए, वी कैन राइट लाइक q by m into e, और t के जगह पर लिख सकते हैं l upon v, दैट इज l upon v स्क्वायर। ओके, देखिए यहां पर l लेंथ ऑफ द प्लेट कांस्टेंट है, वी स्पीड भी मैंने क्या मान लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तीनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है क्योंकि आपको दिया हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो डेल्टा वाई है डिफ्लेक्शन वो डिपेंड कर रहा है चार्ज और मास के रेशियो पे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एम, क्योंकि बाकी सारे जितने भी क्वांटिटी है सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर देखिए डेल्टा वाई का अगर डिफ्लेक्शन मोर होगा, इट मीन्स वी कैन से डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज इज मोर। ठीक है, दैट दिस केस डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज इज मोर, तो चार्जेज का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, मोर होगा। और इसका मतलब ये हुआ तो उस केस में q बाई एम का रेशियो भी क्या होगा, मोर होगा। ओके, क्यू बाई एम का रेशियो मोर, मैंने पहले ही बोला आपको जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका q
क्यू बाई एम का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल थर्ड है उस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, इट मीन्स पार्टिकल थ्री हैज द हाइएस्ट ओके डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। इसका मतलब हो गया जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है, जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है उस तीसरे चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास का जो रेशियो होगा डिफ्लेक्शन का वो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो जो आपका विच चार्ज पार्टिकल हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज थर्ड चार्ज पार्टिकल, दैट इज थर्ड चार्ज पार्टिकल। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।